कहने लगे हैं बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे ये देश में कोई भी सरकार रही है या कोई भी इतिहास उठा के देखोगे बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। और आज संघर्ष जो है हमारी फसल के लिए कर रहे हैं हम लोग, आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। ये जो सरकार काले कानून लाई है, ये वापसी ले और MSP पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेंगे, ये संघर्ष आज 200 दिन हुए या 2 साल हो जाए या 4 साल हो जाए, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। पर किसानों का तो नुकसान है ना सर? नुकसान उससे क्या फ़ायदा बताओ, ये वह बताओ, हम फसल अगर दुगुनी दाम में लगा के 2 रुपये लगा के फसल पैदा करें और वो 1 रुपये में बिके, तो उससे तो बढ़िया हम संघर्ष तो करें, अपने अधिकार के लिए तो लड़ें, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो हमारी सुरक्षित रहेंगी। आज हम संघर्ष करेंगे हमारे बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा, या हम भी चुप बैठ जाएं जो गुलामी की उसमें बस सरकार को हमें बैठे रहे हैं। सुमित जी, आपने अभी करी कि हमें दाम मिलना चाहिए, गेहूं पे MSP है, क्या MSP पे बिका है गेहूं यूपी में? नहीं बिका, हम खुद दिनकौर मंडी गए हैं, वहाँ हमने जाकर वहाँ जोर दिया, वहाँ भी MSP क्यों नहीं बिक रहा है, वहाँ बात करी, वहाँ जाकर फिर जाकर उन्होंने एक दिन वहाँ तोला, फिर सिस्टम इतना FIG सिस्टम इतना ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा, जो गरीब किसान है अब इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है वो अजीब सा सिस्टम बना रखा है। भाई कोई किसान जो है कणपे लेके खेत बोए है, ठेके पे लेके बोए है, ज़मीन किसी और के नाम है, टोकन उसके नाम जाएगा, फसल कोई और बो रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम डायरेक्ट हो भी, कोई भी किसान हो देश का हो, अपना आधार कार्ड लावे और अब उसे टोकन मिला, हाँ भी तेरे पास इतनी फसल है, हम तो फसल दर अपने दाम ले MSP पे डायरेक्ट तो ले। जब ये आंदोलन यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आया, आपने पहले भी नोएडा में आंदोलन कराया कानूनों के, रास्ता कैसे निकले ना? रास्ता तो सरकार सोचे, सरकार अपना बड़ा मन करना चाहिए, सरकार देखना चाहिए, ये लोग जो आज 200 दिन से ज़्यादा हो गए, 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ये कहीं बाहर के नहीं है, इसी देश के किसान हैं, इसी देश के बेटे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है, हम यही तो कह रहे हैं हमें MSP गारंटी कानून दे दो, हमें गारंटी दे दो भाई हमारी फसल इससे नीचे मिलेगी पूरे देश में, हम और मांग क्या रहे सरकार से, और सरकार इतना भी नहीं सोच रही हमारे बारे में, किसान के बारे में, बस बैठे हैं गद्दी पे, राजा बने सोच रहे हैं गद्दी तुम्हारे और तुम्हारे बापदा देखिए, अरे कब तक बैठोगे भाई? ये जनता जागरूक हो रही है, जनता देख रही है आज देश की हालत क्या है, आज डीजल कहाँ चला गया है, आज पेट्रोल कहाँ चला गया है, आज 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं, बताओ कहाँ इतना टैक्स दे रहे हैं, इस देश में अगर सुई भी बनती है तो उसमें टैक्स आके वो मार्केट में आती है, इतना टैक्स जनता से वसूला जा रहा है, ये पैसा जा कहाँ जा रहा है, आज डीजल पेट्रोल, आज हालत बताओ सरसों का तेल कहाँ, आज बताओ स्थिति क्या है देश की, मतलब जो चीज़ पूंजीपतियों के हाथ में पहुँच गई वो अपना महंगी होती चली जाएगी। आज प्रधानमंत्री महंगाई पर बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? बड़े बड़े भाषण देख रहे गुजरात से, नहीं भाई देखो डीजल पे कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल पे कोई बात नहीं करेगा, आज की बात करते भाई, डीजल पेट्रोल कहाँ चले गए, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी, देश का भविष्य कहाँ चलेगा, वो भाग्य मोहल चौकसी 13,000 करोड़ लेके रोक लेते, क्यों नहीं रोक पाए, कांग्रेस पर आरोप लगा कर रहे, लेकर आओ ना उसे, कैसे चलेगा तुम्हारी नौकरी से लेकर के। सर आपने घोटाले की बात करी, राम मंदिर जमीन खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो गया सर, बताओ बड़े बड़े अजीब की बात है, भगवान के नाम पे, अरे इन्होंने तो खाई भगवान के नाम पे है, राम नाम पे 10-10 रुपये चंदा किसी गरीब आदमी ने भी अपनी मजदूरी में से भगवान के नाम पे निकाल कर दिया, और वो चंदा जब इकट्ठा होकर एक एक गांव से एक घर से वो एक एक रुपया भगवान के नाम पे वो लोगों ने दिया दान, और वो ट्रस्ट में जब इकट्ठा हुआ, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2 करोड़ की जमीन लोगों ने 18 करोड़ में सौदा कर दिया, 16 करोड़ की दलाली मारी लोगों ने, कैसा मार ली, ये तो खुलासा हो गया, अभी पता नहीं अभी कितने ऐसे खुलासे होंगे, अभी देखना आप, समय आने पर पता लगेगा, अभी तो CBI ED सब इनके हाथ में है, ये सत्ता परिवर्तन होता रहता है, सरकार आती जाती रहती है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, चिट्ठे सबके खुलेंगे, जब सरकार बदलेगी ना ये सारा पता लग जाएगा, इनके क्या इनके दाढ़ में काला है, क्या इनकी दाढ़ काली है। 8 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोग? तैयारी का हम तो बैठे अड़े हुए, तैयारी तो सरकार करे ना, जनता के बीच में क्या जवाब देगी, गाँव में कैसे जाएंगे, अब भेजो अपने लोगों को भाई, हमारा तो बैठे हम तो अड़े हुए अपनी MSP के लिए, अब तो जनता गाँव की इनसे सवाल पूछेगी ना, तैयारी तो इनकी होनी चाहिए, गाँव में जाकर किसान से क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे उनको, वहाँ जाकर पूछो ना गाँव में क्या हालात है, फसल के क्या दाम है, वहाँ जाकर पूछो, 10 साल का ट्रैक्टर बैन कर रहे हैं, 10 साल में ट्रैक्टर का बिगड़ता क्या है, अरे इनका कोई दीन ईमान इनने बिल्कुल भी अपनी जो आत्मा है वो झंझोड़ कर देखे हैं, आज देश के हालात देखें क्या है। सुमित जी, किसान नेता कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत करा जाए 2024 के लिए, तो क्या राजनीति में उतरने वाले हैं किसान? किसान राजनीति में क्यों उतरेंगे, सर तुम हक मांग रहे हैं, ये सरकार से कोई बैर थोड़ी है हमारा, ये सरकार हमें MSP दे कानून किसानों के पक्ष में बनावे, क्यों हमसे कोई वो मांग रहे हैं भाई तुम गद्दी छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम जो किसान चाहते हो काम में करो, जो देश की जनता चाहती है वह काम में करो, तुम वो इसलिए बनाए हो देश में सरकार, इसलिए बनाई तुम्हारी, झूठे वादे करके तुम सरकार में बैठ गए और आज तुम उल्टे काम कर रहे हो, पूंजीपतियों के पक्ष में कर रहे हो, तो किसान इसीलिए नाराज और गुस्से में है, और जब तक ये नहीं मानेंगे इन्हें गद्दी से हटा के दम लेंगे इतने वापसी नहीं जाएंगे। तो BJP का विरोध करोगे भैया? जो इलाज होएगा इनका, जो चाबी जैसे खुलेगी,
माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा जो चाबी जैसे खुलेगी उस चाबी का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी का विरोध करके हो या जैसे हो, हमें अपने एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, जो शीर्ष नेतृत्व वो आदेश करेगा उस पे अमल किया जाएगा। यूपी में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, लगता है कुछ योगी मॉडल जैसा उसमें विशेष हुआ है उत्तर प्रदेश? भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता मॉडल, यूपी का मॉडल क्या है? आप यूपी के हालात बताओ ना, जो यूपी के हालात क्या है? किसी में जाकर कोई कहीं भी पुलिस जाकर किसी के पैर में गोली मार देती है, किसी का एनकाउंटर कर देती है। सुमित गुजर निर्दोष बेचारा, यहाँ बागपत का लड़का, एक मुकदमा ने कुछ नहीं जान से मार दिया, पुलिस ने गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, तो है चिरचटा गांव का। मतलब ऐसे 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 होता है शासन? ये मॉडल है? किसी को जाकर ठोक दो, डराओ, किसी का घर तोड़ दो, किसी की जमीन कब्जा लो रातों रात, ये होता है मॉडल? यूपी मॉडल है? वो बख्तारपुर गाँव में हमारे घर तोड़ दिया था 2018 में, ऐसे मतलब बिना नोटिस दिए किसी को घर तोड़ दो, किसी को गोली मार दो, किसी कुछ कर दो। वो तो योगी जी ने शुरू में कह दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझेगा। अरे जनता ने तुम्हें बनाया राजा अपना मुख्यमंत्री, ये भाषा का कहाँ से मतलब आ गया? अरे जनता प्यार की भूखी होती, जनता की सेवा करने के लिए बनाया तुम्हें, जनता पर राज करने के लिए बनाया, अत्याचार करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया तुम्हें? अरे तुम जनता के हित में काम करो, जनता की सुनो दिल की आवाज़, जनता क्या चाह रही है? आज गन्ने के बताओ कितने बार दाम बढ़ा दिए इन्होंने गन्ने के आज, और डीजल पेट्रोल बिजली की हालत देखो ना उत्तर प्रदेश में कितने नहीं बढ़ाया दाम। पर मोदी जी का विरोध कर रहे हो, योगी जी का विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं आप? किसने कहा? हमने कहा जो नीतियों के खिलाफ है उनके विरोध कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ लिखा है किसानों का सबका विरोध है, वो कोई भी सही मोदी से ही योगी से ही कोई भी सही, जो किसानों के खिलाफ है उसका सबका विरोध है, जो किसानों के साथ खड़ा है उसका सम्मान है, जो किसान के विरोध में है उन सबका विरोध करेंगे हम। योगी कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या कार्यकाल करा योगी ने हमें बताओ ना महाराज जी ने, जो अखिलेश ने काम करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही पूरे ना कर पाए। मंडी बंद और करवा दी किसानों की, उन्होंने दो मंडी बनवाने का प्रस्ताव दिया, अभी हाईवे पे लखनऊ हाईवे मंडी बनेंगी, ये होएगा वो काम वो भी पूरा ना कर पा रहे। विकास को बताओ ना, विकास में क्या काम करा इन लोगों ने, कहाँ रोजगार है उत्तर प्रदेश में, क्या मतलब डराना धमकाना करना, ये कोई ऐसा राज चलता है? चार साल बेमिसाल रहा भाई, चार साल बेमिसाल हमें बताओ ना कैसा रहा भाई। लोग जो है आज परेशान है, आप यहाँ बॉर्डर पर बैठे 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए उत्तर प्रदेश के नहीं है क्या, या पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं है? आज प्रदेश में हालत बताओ ना क्या चल रहे, कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे योगी महाराज ने जब माननीय हाई कोर्ट ने कहा भाई आप जो है चुनाव बंद करवा दो, लॉकडाउन लगा दो, जो बीमारी आ रही है कोरोना महामारी आ रही है, नहीं जी अपनी जिद पे सुप्रीम कोर्ट गए, स्टे लेकर आए, क्या क्या हासिल हुआ? कितने हमारे पुलिस स्टाफ भाई मरे, कितने हमारे टीचर का स्टाफ मरा है, कौन जिम्मेदार है उनका, कितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मौत के आंकड़े देखे आपने, बैठे कितने लोग मरे, कौन जिम्मेदार है उनका? ये जिम्मेदारी लेंगे मुख्यमंत्री जी अपनी जिद की, जो वहाँ जाकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर जो स्टे लेकर आए? तो भैया ये तो अपनी करनी देख लेंगे, आने वाला समय ने बताएगा। योगी जी कहते हैं प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए किसानों को, अच्छा ना योगी जी अपने आप पर भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पर करे भरोसा, किसानों से कह रहे हैं कि अरे भरोसा करे कैसे, किसान गारंटी कानूनी तो मांग रहा है, अरे प्रधानमंत्री गारंटी कानूनी नहीं दे पा रहे, एमएसपी नहीं दे पा रहे, बताओ कितनी सी छोटी सी बात है भाई, किसान यही तो कह रहा है एमएसपी है उस पर गारंटी कानून दे दो बस, और इतने बड़े इशू क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे भाई? कौन सी ऐसी आफत आ रही है, कौन से पूंजीपति ने खरीद रखे हो ये तो बता दो ना, कौन सी जिम में जाके बैठे हो, अनिल अंबानी की में बैठे हो, अडानी की में बैठे हो, कौन से ने खरीद रखा तुम्हारा जमीर, वहाँ बताओ ना। अरे हम पैसा इकट्ठे करेंगे अपना खून पसीना बेच के, हम खरीदेंगे तुम्हारे जमीर है, हम बताएंगे ना तुम गद्दी पे कैसे बैठोगे, बंगाल देख लिया 2022 देख लेना 2024 देख के बता देंगे इन्हें, हम बताएंगे इनका जमीन, हम बताएंगे ना वोट की कीमत क्या होती है, किसान की मजदूर की वोट की कीमत क्या होती है, मजाक बना रखा है देश में किसान का मजदूर का इन लोगों ने। सुमित जी एक आखिरी कमेंट आपसे, टिकैत साहब का अभी 4-5 दिन पहले एक बयान आया है कि मायावती ने अच्छा काम करा किसानों के लिए, कि मायावती की तरफ रुख है मायावती ने? ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई भी मुख्यमंत्री है अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके लिए अच्छा बोला जाएगा। मैंने पहले कहा भाई जो किसानों के लिए अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोला जाएगा, और जो किसानों के लिए गलत करेगा काम नहीं करेगा उसके लिए वही वैसे ही बोला जाएगा। उन्होंने शायद कुछ अच्छा काम करा होगा इसलिए बाबूजी ने कहा होगा राकेश जी ने, ऐसा नहीं है, जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही बोला जाएगा, चाहे वो बहन जी हों अखिलेश जी हों कोई भी हो, और चाहे वो योगी जी हर हों। आज हालत बता दो ना बीजेपी के खिलाफ क्यों खड़े इतने लोग, क्यों आकर रोड पे बैठे हैं, जबकि घर है परिवार है हमारे बुजुर्ग, ये देखो बुजुर्ग उठाकर देखो हमारे 60-60 साल के 70-70 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे घर परिवार छोड़ के, इन्हें अपने घर में होना चाहिए हैं, इन्हें मतलब देश में तानाशाही मचा रखी है, कहते लूट मच रही है।